महामारी के बीच 10 माह बाद जनपदवासियों के लिए राहत भरी खबर है। 10 माह बाद 24 फरवरी को पहला ऐसा दिन है जिस दिन कोविड के एक भी मरीज जिले में नहीं मिले हैं, जबकि करीब 3000 से अधिक नमूनों की जांच भी पिछले 24 घंटे के अंदर की गई है। ऐसे में विभाग ने राहत की सांस ली है, क्योंकि अब तक पिछले साल 26 जुलाई के बाद से हर दिन कोविड के मरीज जिले में मिलते रहे हैं। आपको बता दें, जिले में पहला केस पिछले साल 26 जुलाई को उरवा के हाटा बुजुर्ग के रहने वाले 49 वर्षीय व्यक्ति के रूप में मिला था। व्यक्ति दिल्ली से आया था, ठीक होने के एक सप्ताह बाद व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। इसी दिन के बाद से 23 फरवरी तक लगातार कोविड के मरीज मिलते रहे हैं। अगस्त और सितंबर माह में तो स्थिति ऐसी हो गई थी कि हर दिन मरीजों का आंकड़ा 200 के पार जा रहा था। यहां तक कि सबसे अधिक 420 मरीज भी जिले में मिल चुके हैं। इसके बाद से विभाग के सामने कई मुश्किलें खड़ी हो गई थी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे मरीजों की संख्या कम होती गई। जनवरी में आंकड़ा दहाई के अंदर आ गया। फरवरी माह में तो 10 फरवरी से इक्का दुक्का ही मरीज मिलते रहे हैं। इस बीच 24 फरवरी को पहला ऐसा दिन है जिस दिन एक भी केस नहीं मिले हैं। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब एकदम कम हो चुकी है। 10 माह में पहला ऐसा दिन है कि एक भी कोविड के मरीज नहीं मिले हैं। यह आने वाले दिनों के लिए अच्छा संकेत है, लेकिन नए स्ट्रेन को देखते हुए सावधानियों को बरतना होगा। इस संबंध में टेलीफोन पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज कोरोना की लगभग हम 3000 जांच रोज करते हैं, और इधर पिछले 15-20 दिनों से कभी एक मरीज आता है, कभी दो मरीज आते हैं। आज तो बिल्कुल ही कोई भी मरीज नहीं आया और कोई भी डेथ नहीं हुई, तो आज की खुशी का विषय है। लेकिन इसके बाद भी हम सभी लोगों को जागरूक रहना है, सतर्क रहना है कि नया स्ट्रेन भी दस्तक दे रहा है। उसका भी बचाव इसी तरह से संभव हो जैसे कि हम पुराने पिछले एक साल से कर रहे हैं। जनता बिल्कुल ही जागरूक है, वो मास्क लगाए, सभी लोग मास्क लगाए, 2 गज की दूरी मेंटेन करें, और भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाए। बार बार हम दो हाथ धोए, नाक के पास मुंह के पास अपना हाथ न ले जाए। ये हमारी तरफ से सलाह सुझाव है।